हम पंगेशियस फिशेज़ की डाइसेक्शन करेंगे। ये बिल्कुल उसका स्मॉल साइज़ है, लेकिन इसकी डाइसेक्शन करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने सीज़र लेनी है, ठीक है, उसको इसके एनल पोर्शन से काटना शुरू कट करना है। ठीक है, फिर हमने फोर्सेप लेना। फोर्सेप से हमने इसका ओपन करना है। हमारे सारे ऑर्गन निकल गए हैं, अब हम इसको थोड़ा सेपरेट कर लें। ठीक है, लीवर, ये इसकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का पोर्शन है। ये इसका स्टमक है, ये वाला पोर्शन जो है इसका स्टमक है। ये थोड़ी ऊपर चर्बी चर्बी लगी हुई है, इसको जरा थोड़ा साइड पे लगा लेना। ये हो गया इसका स्टमक सेपरेट, ये उसका हो गया लीवर, ये इसके साथ स्विम ब्लैडर है। स्विम ब्लैडर को भी हमने सेपरेट कर देना है। ठीक है, अब हमने इसको बफर सॉल्यूशन के अंदर रखना है ताकि हम इस ऑर्गन को अच्छे तरीके से साफ कर लें। ये हमने इसे सेपरेट करना है स्विम ब्लैडर को। ये हमने अब हेल्प ऑफ फोर्सेप या किसी भी चीज़ से आप इसको निकाल सकते हैं। इसको भी हमने बफर सॉल्यूशन के अंदर रख देना है। उसके बाद ये जो है, ये है स्टमक, इसको हम डाइजेस्टिव एक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे, टेस्ट करने के लिए। इसको हम यहाँ पे रख देंगे। इसका किडनी पोर्शन है, बिल्कुल थोड़ी सी किडनी है क्योंकि हमारी मछली ही बहुत ज़्यादा छोटी थी। इसको हमने रख देना है यहाँ पे थोड़ी देर के। फिर हमने एपेंड्रोप को लेना है, उसके अंदर सबसे पहले हम स्टमक को डालेंगे। ये इसका स्टमक है, इसको हमने डाल दिया ऐसे। उसके बाद इस एपेंड्रोप में हम लीवर को डाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद हम किडनी डाल लेंगे। ये किडनी डाल दी। ये डिफरेंट ऑर्गन्स को हमने एपेंड्रोप के अंदर स्टोर कर लिया ताकि हम डिफरेंट टेस्ट को हम परफॉर्म करा सकें। ये इंटेस्टाइन है, तो यही थी टुडे डाइसेक्शन।